डॉक्टर साहब, अभी आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है। अब जो हुआ, मैंने वजह बताई कि आप दूसरों से बातें भी कर रहे थे, और मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं बात करूँ तो मेरा मध्य मुकाबले सिर्फ मुझसे ही बात करे। अब आप बताएं कि किस मौजूद पर बात करनी है, हम देख लेंगे कितनी आपकी बड़ी जो बातें कर रहे हैं ना, आप चैलेंज किया ये किया, हम सब देख लेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कौन भागता है, अगर ग्रुप से आप नहीं भागे तो मेरा नाम अली माविया नहीं है। देखिएगा मैं क्या करता हूँ इन्हीं मैदान में, क्या आशा करता हूँ, ये सफ़ीर, इंजीनियर, यासिर जो है, वो सारे ये सारे जो है ना, ये इनका आशा क्या कहता है, उनसे बुरा आशा होगा इंशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाह करें, बात शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मदतुल्ला खान शेरवानी है, मैं अलीगढ़ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और मैं दावा देता हूँ सही बुखारी 28:12 कि हम इस हदीस के तहत मावी बिन सुफियान को बागी समझते हैं, और जो कोई भी इस हदीस का इनकार करता है वो हमारे सामने आए, हम उससे बात करेंगे, और सबसे पहले उसे ये बताना होगा वो इस हदीस को मानता है या नहीं मानता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गीदड़ बकरी आप किसी और को दीजिएगा, मैं जानता हूँ आप कितने पानी में, और आपका किस किस ने पानी निकाल रखा है, ठीक है, और आपका हमने अपने ग्रुप में क्या हाशर किया था वो भी आप जानते हैं, और एक बार नहीं दो दो बार हाशर किया है आपको बुरा, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब अपना तारुफ दीजिए, यहाँ पर अपना सही नाम बताइए, आपके नाम जो आपके अपने माँ बाप ने रखा हो, झूठा नहीं, झूठ ना फैलाना, वरना मैं सच खोल दूंगा यहाँ पर सबके सामने तुम्हारा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरा दावा है, मेरा वॉइस नोट है, और मैं कोई दावा लिख के नहीं देता, मैं हर बात बोल के कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम बागी समझते हैं, ठीक है, अब मैं सवाल ये करता हूँ कि बागी से आपकी मुराद क्या है, क्या बागी काफिर होता है, बागी का एहतराम नहीं करना चाहिए, बागी मुर्तद होता है, बागी का सगीरा गुनाह होता है, बगावत करना कबीरा गुनाह होता है, जो भी होता है ना, जो भी होता है, वो जरा वजात करें उसकी आप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप मेरे दावे का जवाब दीजिए कि आप हदीस अमार 28:12 सही बुखारी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर उसके आगे बात होगी कि वो किस तरीके का बागी था। मैं हदीस अमार को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको किस तरह मानते हैं वो गलत मानते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, ठीक है, बस समझ आ रही है। तो ये नहीं कि मानते नहीं मानते, ये मानते ना मानते, बच्चों वाली बातें वैसे ना करें आप, ठीक है। अब ये बताएंगे इसे बागी जो मैं सवाल किया ना आपसे, उसका तरह जवाब दूंगी आप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चों वाली आप मेरे से बातें ना करें, ये बताएं कि हदीस के इस हिस्से को मानते नहीं मानते कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला उनको एक बागी जमात ही कतल करेगी, और वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी, और हजरत अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे। पूरी बात वजाहत करके यहाँ पर कबूल कीजिए कि पूरी हदीस मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर आगे बात होगी। ये बच्चों वाला खेल ना खेलें। ये आप वाकई इल्मी में मैदान के नहीं है। मैं जब कह चुका हूँ कि हदीस को मानता हूँ, तो ये कहना कि इस टुकड़े को बताओ, इस टुकड़े को बताओ मानते नहीं मानते। अगर मैं कहूँ मैं कुरान को मानता हूँ, तो आप जैसा कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये बताओ कि सूरह फतह को मानते नहीं मानते, ये जाहिल वाली बात है, आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ हदीस अमार को, मानता हूँ हदीस अमार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अब हुक्म बताओ कि इस्लाम में बागी का हुक्म क्या होता है, काफिर होता है, मुर्तद होता है, जन्म होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बताओ मुझे आप, ठीक है। और वो जो अल्फाज आप कह रहे हैं ना जन्म की तरफ बुलाएगा, वो अल्फाज मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, नहीं मानता, वो क्यों नहीं मानता मैं आगे बताऊंगा, दलाल से बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि बागी का शरीयत में हुक्म क्या होता है, ताकि हम देखेंगे कहाँ कहाँ फतवा होता है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक आपने अपना तारुफ नहीं दिया कि आपका असली नाम क्या है, और आप किस फिरके से बिलोंग करते हैं, और कहाँ रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, आपने किसी भी मुनाजरे को शुरू करने से पहले अपना तारुफ देना जरूरी होता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कुरान की मिसाल ना दें, कुरान की एक आयत का भी आदमी मुनकर होगा तो फिर वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों वाले खेलने खेले आप मौलवी वाले मेरे साथ, ठीक है। हदीस में सनद का देखना बहुत जरूरी है, अगर सही सनद के साथ होगी तो हम मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। तो हदीस का मैच आप कुरान से नहीं करा सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, और मैं आपका इल्मी लेवल बहुत अच्छे से जानता हूं, आप किस मियार के हैं, जिसके मुझे आपको ये सब चीज़ें क्लियर भी करनी पड़ेंगी। तो आप ये कबूल करते हैं अपने इस वॉइस नोट में कि हजरत अम्मार को एक बागी जमात कतल करेगी, तो क्या इस हदीस के तहत माविया बिन सुफियान बागी थे या नहीं थे? वैसे तो आप जानने के दावे कर रहे थे कि हमने आपका पानी निकाला, ये किया वो किया है, और आप कह रहे हैं कि आप नाम बताएं। मेरा नाम अली माविया है, और अच्छी तरह जानते हैं मुझे आप। सफ़ीर को ठीक तरह डंडा देने वाला कौन था, यासिर को भगाने वाला कौन था, यासिर को दुश्मन अली साबित करने वाला मैं ही था, दुश्मन हसन, दुश्मन हुसैन साबित करने वाला, यासिर को तुम जैसे साबित करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही वो अली माविया हूँ जिसकी रिकॉर्डिंग से तुम्हारी जो है वो लोगों की जान जाती है। मैं वही अली माविया हूँ जिसकी मुनाजरे सफ़ीर के मेरे चैनल पर रखे हुए हैं। पहले कहते जानता हूँ तुम्हें, पानी निकाला हुआ है कितने पानी में, अब कह रहे तारुफ कराओ, क्या अजीब बंदा यार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, और आप जो है अपना नाम यहाँ जो बता रहे हैं बिल्कुल झूठा बता रहे हैं। मैं आपको इसमें भी एक्सपोज कर दूंगा, मगर अभी नहीं, अभी चलने दो, थोड़ी देर में मैं एक्सपोज करूंगा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम अपना नाम छुपाते क्यों हो। मुझे पता है कि आपको दुश्मनी है बहुत मौलवियों से, इसलिए जो है वो आप जो मरते हैं ना, जनाब आपको मौलवी पड़ता है, आपका निकाह होता है ना, आपका जनाब मौलवी पड़ता है, आप मौलवी के मोहताज हो। खैर, मुझे पता है कि आपको मौलवी फोबिया है, आप एलर्जी के मौलवियों से, बहरहाल छोड़ें इस बात को। अब मैंने एक मुआवजा नहीं किया कुरान हदीस का, मैं आपकी एक बेवकूफ़ वाली बात का मुआवजा कर रहा था कि मैंने जब कह दिया कि हदीस अमार को मानता हूँ, तो फिर ये कहना कि ये बताओ कि अमार को कत्ल बागी का, ये मानते नहीं मानते, तो ये आपकी बेवकूफ़ बात थी ना। मैंने इसका मिसाल दिया कुरान से, जब एक बंदा कहता है कि मैं कुरान को मानता हूँ तो वह सारे कुरान को मानता है ना, ये तो मतलब नहीं कि जो है वो हदीस को कुरान को मानता है तो फजा को नहीं मानता, तो ये बेवकूफ़ वाली बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह की मिसाल दी, ठीक है। बाकी अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि बागी का हुक्म क्या है शरीयत में। हाँ, ये खामा बात ना करो, ठीक है। अबू बकर का नाम क्या था? हाँ, अब्दुल्ला।
एक्सपोज करो, बोलो मैडम फखर सलमान है तो बोलो क्या मसला, क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम बड़ी कोई इल्मी बातें कर रहे हो क्या? हैं अबू रका सलम क्या था, हैं अबू रका था, ये क्या बातें कर रहे हो? हैं काम की बात करो, हुक्म बताओ, हुक्म के बागी का हुक्म क्या है? काफिर है, मुर्तद है, जहन्नमी है, बताओ ताकि मैं आगे लेके चलूं इस बात को, कि बताओ कौन कौन बागी था, कौन कौन तुम्हारे फतवे में आ रहा है? बातें कर रहे हो बहुत, हम बातें ना करो वरना फिर साहब बता दूंगा कि अबू बकर सलाम अब्दुल्ला था, नाम अबू बकर हदीसों में आता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? काम की बात करो, जिस मौजूद बात कर रहे हो यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यही आपका जो है ना डबल स्टैंडर्ड है। जब मैंने आपकी बात को पकड़ लिया तब आप भागने लगे। अभी तो पहले आपने कहा कि मैं हदीस अम्मार को मानता हूँ, फिर अगले वॉइस नोट में आपने कहा कि सिर्फ बागी मानता हूँ, जन्नत की तरफ बुलाने वाला नहीं मानता, और उससे पहले कह रहे थे मैं मानता हूँ। तो ये ना डबल स्टैंडर्ड जो है ना मौलवी के, ये धोखे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फिर अपना नाम बताने में क्यों शर्मा रहे थे तेरे से? क्यों शर्मा रही थी तुम्हें अपना नाम बताने से? ये झूठ क्यों फैलाते हो दुनिया में कि मेरा नाम अली माविया है? तो अपने ही दूसरे वॉइस नोट में खुद एक्सपोज हो गए, दो बार एक्सपोज हो चुके आप। ठीक है, अब आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए कि माविया बिन सुफयान बागी है या नहीं है हदीस के तहत? यार अब मजबूरी बात करनी पड़ती है आपसे, क्योंकि आपको पता है नहीं कि बात किस तरह होती है। ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे कि हदीस को देखना पड़ता है, सनद को देखना पड़ता है, अभी आप कह रहे हैं कि हदीस को मान नहीं मान रहे, पहले कह रहे मान रहा हूँ, कह रहे नहीं मान रहा। देखिए जनाब, सनद के ही मुताबिक मैं हदीस के एक हिस्से को मान रहा हूँ और एक हिस्से को नहीं मान रहा। मैं दलाल लगता हूँ अपने पास ना, आप इधर हवाई बातें नहीं करता, यहाँ की बात सुन के सुन के और जब किधर बना लिया, समझा रही बात? तो आप जरा बात करें तो सोच के बात करें, अपने खुद का आगे सनद देखनी पड़ती है हदीस की। अब मैं सनद की बुनियाद पर ही हदीस के आखिरी जन्म वाले से को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, आगे बात करेंगे। फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये झूठ लाता हूँ मैं, तो अबू बकर का नाम जब तुम कहते हो अबू बकर, तो झूठ लाते हो तुम यहाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब्दुल्ला है, तुम कहते हो अबू अबू रहा, झूठ लाते, झूठ लाते हो क्या उनका नाम लेकर? यार क्या बात कर रहे हो तुम, किस तरह के मुनाजिर हो तुम, टाइम पास मुनाजिर हो तुम? यार बात करो काम की, मुझे बताओ कि बागी हुक्म शरीयत में क्या है, बागी का हुक्म शरीयत में क्या है? काफिर है, जहन्नमी है, मुर्तद है, क्या है, क्या है, क्या है, ये बताओ, साफ साफ बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उससे पहले आपने ये कहा था कि आप हदीस को मानते हैं, फिर आपने कहा कि बागी तो मानते हैं मगर जहन्नम की तरफ बुलाने वाला नहीं मानते, ये आपके दोनों वॉइस नोट मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप इस हदीस के पहले इससे कोई मानते हैं, ठीक है, तो क्या माविया बिन सुफयान इस हदीस के तहत बागी है या नहीं है, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपना सही नाम बताइएगा, पहले ही मैंने वॉइस नोट लगा दिया था, मुझे मालूम है आप झूठ लगाओगे और फिर पकड़ जाते हो। तो ये बताओ सबसे पहले कि माविया बिन सुफयान बागी था या नहीं था? अगर बागी था तो फिर हम हुक्म लगाते फौरन ही कि बागी पर क्या हुक्म लगता है, और हुक्म भी हम खलीफा राशिद से लगवाएंगे। पहले आप हुक्म तो बताएं कि हुक्म क्या है बागी का, हैं? मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ, नहीं मानता, वो तो मैं आगे बताऊंगा ना। पहले आप तो बताएं ना आपका दावा, हुक्म तो बताएं कि हुक्म क्या है बागी का, और सिर्फ माविया में रुख नाम ले रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तुम एहतराम नहीं कर रहे साहबी का, बताओ हुक्म बताओ क्या क्या है? अगर तुम समझते हो माविया बागी है इस हदीस के मुताबिक, तुम क्या तुम ऐसे नाम रुख नाम ले रहे हो? मैं तुम्हारा नाम उम्मीद तुम्हें ये कहूँ तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, हैं? तो एक तो तुम बदतमीजी से नाम ले रहे हो, एक साहबी का एहतराम नहीं कर रहे, जेल देंगे, डॉक्टर के अपने आपको तुम। ठीक है, तो बात यह है कि हुक्म बताओ, हुक्म बागी हुक्म क्या है, एक सवाल किया है, एक घंटा का जवाब दे पा रहे तुम अभी। हाँ हाँ झूठे साहब, अब बोल के आप झूठ बोलते हो ना, अब बोल के झूठ बोलते हो, किसका बंदा है यार, किस तरह का बंदा है, टाइम पास बंदा है यार, कितना टाइम जाएगा, 10 मिनट लगा दिए इस पे। आगे चलो, ये बताओ हुक्म क्या है शरीयत में बागी का, जो भी बागी हो, सिर्फ माविया नहीं, जो भी बागी हो उसका हुक्म बताओ, बागी हुक्म शरीयत में क्या है, ताकि मैं देखूं तुम क्या फसल लगाते हो, कहां फंसा जाता है। तो बहुत फंस रहे हो, बहुत मर रहे हो अभी, बताया मुझे तुम्हें, तुम्हारी जबान से बात निकल रही, इसलिए तुम्हें पता है कि बात कहां जाएगी बेटा, तो देख जरा, बताओ मुझे हुक्म क्या बागी, जल्दी बता। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए, अगर किसी का कोई नाम लेना तो वो बदतमीजी नहीं होती, ठीक है, और किसी का नाम बिगाड़ के लिया जाए तो वो बदतमीजी होती है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ये जो आपने की वो बदतमीजी, और मैंने सिर्फ माविया का नाम लिया है, बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करी इस मामले में, आप देख लीजिए दोबारा से सुनकर, आपने जो किया वो बदतमीजी थी। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारा दावा इस हदीस के ऊपर ही है, ठीक है, जो भी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हम टू द पॉइंट पिन पॉइंट बात करेंगे और बात को पकड़ के करेंगे, हदीस को पकड़ कर, भागने नहीं दूंगा मैं आपको इधर उधर, ये मौलवी वाला स्टाइल छोड़ दो यहाँ पर। ये बताओ कि माविया बिन सुफयान इस हदीस के तहत बागी है या नहीं है, अगर है तो बताओ हाँ, और नहीं है तो बताओ नहीं। अगर सिर्फ नाम लेना बदतमीजी है तो नऊज़ बिल्लाह, कोई मोहम्मद कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे तो ये बदतमीजी है कि नहीं, बेदबी है कि नहीं? ठीक है, कोई सिर्फ अली अली करता रहे, अली अली, ना हजरत कहे, ना सही ना कहे, ना रज़ियल्लाहु अन्हु कहे, तो बदतमीजी है कि नहीं है? एक है तुम्हारा नाम लेना और एक है किसी शख्सियत का काबिल एहतराम शख्सियत का नाम लेना, वो फर्क होता है। माविया कह रहे अब मैं भी तुम्हारा नाम बदत और डॉक्टर, तो इसमें सब करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें जो है तुम साहब का नाम लो, रुका नाम लो, और मैं तुम्हें जो है वो साहब का हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है, समझ पाती है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नबी के साथ दुरूशी पढ़ना जरूरी हम सब के लिए, ठीक है, और हजरत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया है मौला, हम मौला अली कहते हैं, ठीक है, और मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा यहाँ पर, हाँ अगर मैं तुम्हारा नाम बिगाड़ूँ तो फिर तुम्हें बुरा लगना चाहिए, मैंने तुम्हारा एक बार नाम नहीं बिगाड़ा, तुमने दो बार बिगाड़ के बताया मुझे, मैंने किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ा, तुम एक भी मेरा वॉइस नोट लगा के दिखा दो, तुम पक्के झूठे हो, मैं तुम्हें बहुत शुरू से जानता हूँ। हाँ जो भी बात क्यों नहीं हो रही, तुम्हें पता है कि वही हज़रत उम्मार जिनका तुम दफा कर रहे हो ना, वही हज़रत उम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु बागी बन रहे हैं सैयद उस्मान के खिलाफ, तुम इसलिए आगे फतवा नहीं लगा रहे, क्यों? दुश्मनी है मुआविया है तुम्हारे बहुत बराबर दिल में तुम्हारा ना, तुम्हारे दिल में ये रफ्ज़ निशानी भरी हुई है बहुत से मुआविया, बात सीधी है, इसलिए तुम फतवा लगा नहीं रहे सब पर ना, क्योंकि हज़रत उम्मार भी आ रहे हैं, क्योंकि वो खलीफा राशिद उस्मान के खिलाफ थे, इसलिए तुम ये नहीं कह रहे, ठीक है, तुम क्यों नहीं कह रहे, तुम्हें पता नहीं तुम इंजन मिर्ज़ा को सुन के बस, मैं वही बताया ना, तुम्हें और जान है तुम्हारे नजदीक ना, तुम्हें नहीं, इसके अलावा सिर्फ इंजन मिर्ज़ा को सुना तुमने बस,
तो इतना पता है बस। तो बच्चू अगर हुक्म नहीं बता रहे बाकी का ना तो तुम फंस रहे हो, ठीक है। चलो ये बताओ इस हदीस के मुताबिक मुआविया क्या है, जन्म ही है? साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, ताकि मैं सही ना अली से बात करूँ और साबित करूँ दुश्मन अली हो। देखो जरा आगे चल के देखता हूँ कितना बात करते मेरे सामने। अच्छा तो लकब दे तो गोया कि लकब के बाद साहब हसन अली का नाम किसी अगर किसी और का नाम लो उमर का तो उमर बोलोगे, उस्मान बोलोगे, यहाँ से बोलोगे जुबैर बोलोगे, तला बोलोगे, जहाँ लकब नहीं तो वहाँ रुका नाम लोगे। क्या तुम रसूल बनाए हुए यार, तुम किस तरह के बंदे हो? तुम बोझे मावे में इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था तुम राजू तक पहुंच गए हो, ठीक है। झूठ तुम बोल रहे, मैं चलो जुड़ा हूँ, ठीक है तुम्हारा जुड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि तुम एक सहाबी मानते हो ना मावी को, सहाबी मानते हो नहीं मानते? अगर मानते हो तो एहतराम से नाम लेने में क्या तुम्हारी जबान जल रही है, तो क्या मसला हो रहा है? हजरत मावी बोलो रजी नहीं बोलो, तुम्हारी जबान जल रही है ना बोलो रजी लो, हजरत मावी तो बोलो कम से कम, हैं बातें कर रहे यार तुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हंसी आती है आपके ऊपर कि कितने कमजोर हो यार तुम, बाकी में हर मुनाज़िरे में पिटते हो तो इसी वजह से पिटते हो कि तुम कमजोर मुनाज़िर हो। मैंने दावाई हदीस अम्मार रखी है, ठीक है, उसके तहत हम बात करेंगे, उससे भागने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने दूंगा, मैं पकड़ के बात करता हूँ। तुम अब भागोगे चारों तरफ, 1400 साल तक भागोगे तमाम हदीसों में और तमाम कुरान की आयतों में भागोगे, नहीं दोगे तो जवाब दावे का नहीं दोगे। बताओ इस हदीस के तहत मालिया बिन सुफियान बागी है या नहीं? मैं तो तुम्हारी कबूलियत के तहत मानना हूँ कि इस हजरत अम्मार को बागी गिरोह कतल करेगा, इस वाले हिस्से को तुम मानते हो, जहन्नम वाले हिस्से को नहीं मानते। तो मैं तुम्हारे कहने के तहत ही मान पूछता हूँ तुमसे कि मावी बिन सुफियान बागी है या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो है ना खौफ खा गए पता नहीं क्यों। भाई मावी बिन सुफियान तलीक है ना, तुलखा में से है ना, यहाँ ग्रुप के सबके सामने बताओ कि मावी बिन सुफियान तलीक हैं, तलीक इब्ने तलीक, तुलखा में से थे। तुम कबूल कर लोगे इस बात को? कभी भी नहीं कर पाओगे, या करके दिखाओ। हाँ हाँ तो पकड़ के बात करते हो, मुझे पता है तुम्हें इतना तो पता नहीं है कि हदीस में रावी मौजूद है इकरमा अबू खारजी है, तुम्हें इतना तो पता नहीं है, तुम्हें इतना तो पता नहीं है कि हज़रत मावी बिन सुफियान ने क्या फरमाया है, तुम्हें इतना तो पता नहीं है, और बड़ी आगे डिंगे मार रहे हो तुम। सैयदना हसन ने जो है वो एक जन्नबी को खिलाफत दी, तुम्हें इतना पता नहीं है और आगे बातें कर रहे हो तुम, हैं डिंगे बड़ी मार रहे हो। अब बताओ कि हुक्म क्या है मावी का, हुक्म क्या है, जन्नबी है या नहीं है, इतना बताओ साफ साफ बोलो। देखें हदीस को मानते नहीं मानते, और हसन और हुसैन और अली हदीस को मानते नहीं मानते वो दिखाओ तुम्हें आगे चल के। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूँ आप कमजोर मुनाज़िर हैं, मैं आपको भागने नहीं दूंगा हदीस से बिल्कुल भी। मुझे पता है कि तुम 1400 साल तक भागोगे तमाम हदीसों में, सारे वाकयात में, हर आयत में घुस जाओगे, नहीं आओगे तो इस हदीस पर नहीं आओगे। बताओ इस हदीस के तहत मावी बिन सुफियान बागी है या नहीं है, पहले हिस्से को तो तुम मानते हो, ये तुमने कबूल किया है सबके सामने, अब बताओ कि मावी बिन सुफियान बागी है या नहीं है। बच्चों तलीक तो अब अब्बास हज़रत भी थे, तलीक तो अकील हज़रत भी थे, अब बताओ तलीक होना क्या है, ऐब क्या है, ठीक है। दूसरे बताओ कि तुम बात बागी पे कर रहे हो, तलीक पे कर रहे हो, हाँ कभी कभी बात पॉइंट पे करता हूँ, अभी तलीक पे चले गए यार, तुम बातें वो करो तुम कर सकते हो, ठीक है। तलीक तो अब्बास भी है, तलीक तो अकील भी है, बताओ फतवा का नंबर, कभी तो नाम लिया, कभी तो नहीं है, अब्बास तलीक है, अकील तलीक है, सैयद अली के बड़े भाई तलीक है, कभी तो नहीं कहा इस तरह, और तलीक है क्या इतना बताओ, तलीक का माना क्या है और इतना क्या तलीक बताओ बताओ मुझे, हैं बात कर रहे थे अभी तक नहीं बताया कि हमारे हुक्म क्या है, जन्मी है क्या है, ये बताओ वाजे वाजे बताओ क्या है हमारी दौरान। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सबके नाम लिए और माविया का नाम नहीं लिया ये है कमजोर मुनाज़िर की पहचान। भाग तो तुम रहे हो, तली की तरफ गए हो और मुझे कह रहे हो तुम भाग रहे हो पकोड़े अच्छा मैं इसी दिन खड़ा हूँ ना, इसी दिन मतलब बताओगे हुक्म क्या है माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, हुक्म क्या है, हुक्म क्या है, दुश्मन अली और दुश्मन हसन हुसैन, बेटा तेरा बड़ा बड़ा माविया से, वो तुम जैसे को जो जो है वैसा करता है कि भागते मुझसे भी ना, मेरे सामने सफी रहता है ना यासिर रहता है, पता है इनको कि ये हकीकी हैदरी है, तुम जाली नाम लेवा हैदरी हो, ठीक है। ये सब बताओ कि हुक्म क्या है हज़रत मावी का, इसके मुताबिक साफ साफ बोलो। तुमने मावी का नाम लिया, दूसरे का नाम नहीं लिया क्यों मरीज बुजुर्ग माविया नाम बोलो ना, अब्बास का नाम क्यों लिया तूने, बोलो क्यों लिया, अकील का नाम क्यों लिया तूने, ओ मरीज बुजुर्ग माविया हैं, तुम्हारी जबान जल रही है ना, क्यों जल रही तुम्हारी जबान, नाम लो, बोलो कि तलीक अब्बास तलीक है, बोलो अकील तलीक है, अली का बराबर तलीक है, बोलो क्यों नहीं बोलते हैं, मुनाज़रा करने आया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इस हदीस के तहत मावी बिन सुफियान को बागी तो साबित कर दें, फिर हुक्म लगाएंगे। पहले पहले स्टेप पे तो चलो, आखिरी वाले स्टेप पे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि माविया के नाम से डरते हो क्या, तुमने तो अपना नाम भी रख रखा है। तो बताओ इस हदीस के तहत मावी बिन सुफियान बागी और फिर हम हुक्म लगाते हैं, और हुक्म भी हम खलीफा राशिद से लगवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाज़रा मावी बिन सुफियान के ऊपर हो रहा है, हदीस अम्मार पर हो रहा है, तो दीगर लोगों का जिक्र नहीं होगा इसमें, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं पकड़ के बात करता हूँ, हदीस अम्मार से आप जाने नहीं दूंगा, बागी तुम मान चुके हो, अब बताओ माविया पर ये बगावत का हुक्म लगता है या नहीं लगता है, फिर फतवा लगेगा। हुक्म लगाने में इतना खौफ खा रहा है, इतना खौफ खा रहा है, इतना खौफ खा रहा है, कह भी रहा है आगे कि कह रहा है जिसको पूरा मानता हूँ वो लिखा हुआ कि जन्म की तरफ बुलाएंगे, हुक्म नहीं लगा रहा, ये देखो आप सब सुन रहे हैं ना, ये कैसे उलझा हुआ बेचारा, इसको पता है कि अगर जन्म ही बोलूंगा आज मौजूद को तो इसी जन्म को जिसको जन्म ही बोलेगा, इसी को हसन हुसैन ने खिलाफत दिया चल के, इसी की बगैत किए, इसी से माल खाया हसन हुसैन ने पैसे लिए हैं, ठीक है, इसी ने इसी को खिलाफत पर मुसलमानों ने क्या किया है, इतफाक किया है और उसको अमल जमात का है, ये हुक्म नहीं लगा, क्या मत नहीं लगाया, बोलेगा ना, बोल रहा ना आगे कहूँगा आगे हुक्म नहीं आया चलाइए। अब आते हैं बागी की तरफ, ठीक है, अब मैं सवाल करता हूँ, मैं सवाल का जवाब देना, बागी से मुराद क्या है, हकीकी बागी है या हुक्मी बागी है? हकीकी बागी वो है जिसका कुरान में हुक्म है कि जब तक वो तुम्हारी बात ना माने तब तक तुम लड़ते रहो उससे, अगर हकीकी बागी मानते हो माफी को तो वो बताओ, अगर तुम तकसीम नहीं करते तो वो बताओ बागी की, ताकि मैं आगे दरगाह तुम दे सकूँ आराम से। हदीस से मार बात हो रही, तुम फिर वहाँ तलीक भी क्यों जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम है नहीं,
तुम दिखाओ अपने कोई डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, कोई पागल डॉक्टर को दिखाओ ताकि तुम्हारा दिमाग का इलाज हो। डॉक्टर खुद कहलाते हो लेकिन तुम खुद मरीज हो, दिमाग मरीज हो तुम, ठीक है ना। तो तुम जो है हदीस मार पर ही आओ। अब बताओ कि बागी हुक्म क्या है, बागी का चाहिए, बागी किस तरह का बागी मानते हो? फिर आगे देखते हैं सैन अली ने क्या किया है, दुश्मन अली कर देखा कर तुम ऐसा क्या कहता देखा आगे चल के। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो अब ये बताओ कि पहले इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी है या नहीं है, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं और फिर हम फतवा लगवाएंगे इंशाल्लाह तआला से कि क्या हुक्म है एक बागी का और उनका अमल हमारे लिए हुज्जत होगा। तो भागो मत, मुआविया बिन सुफयान को पहले बागी मानो, फिर हम हुक्म लगवाएंगे और हुक्म भी हजरत अली से। भागने नहीं दूंगा, मुझे मालूम है तुम भागोगे सुलह हसन से लेके और करबला पार कर जाओगे, सब कुछ कर जाओगे, मुआविया पे नहीं आओगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इलाज तो आपको कराना पड़ेगा अपना, मैं तो हदीस अमार पर ही टिका हुआ हूं। अब आप बताओ कि इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी है या नहीं है, फिर हुक्म लगाते हैं। हुक्म का तो स्टेप तीसरा होगा, पहले तो बागी तो साबित हो कोई शख्स कि ये बागी है, फिर स्टेप लगेंगे। मैंने ऊपर कह दिया है कि बागी साहब की मुराद क्या है, ठीक है, क्योंकि सूरतन बागी तो मैं भी मानता हूं, ठीक है, और इस पर कोई इतराज़ नहीं बनता, कोई भी एतराज़ नहीं बनता। अगर एतराज़ बन रहा होता तो सैयदना अली हसन हुसैन उनको वो एहतराम ना देते जो इनको दिया गया है। सिर्फ हुक्मन बागी हैं, कुछ एतराज़ नहीं बनता, कुछ एतराज़ नहीं बनता, कुछ एतराज़ नहीं बनता, कोई एतराज़ नहीं बनता। ऐसे तो अमार भी हैं बागी, ठीक है, लेकिन आप इस पर कोई एतराज़ नहीं करते, कोई एतराज़ नहीं करते। जिस तरह अमार को बागी समझ रहे हैं आप, उस तरह बागी को समझ लें। फिर आगे देखते हैं आप क्या बोलते हैं। मैंने बोल दिया है कि हम हुक्मन या सूरत की बात है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इस पर कोई एतराज़ नहीं बनता। असल बनता है हकीकी बागी पर एतराज़ कि खलीफ़ा राशिद की जो है वो हक बात पर भी उन्होंने जो है वो उसकी मुखालफत की हो, ये हकीकी बागी होता है, ठीक है, और ये भी कोई कुफर नहीं होता, ये सिर्फ गुना होता है और वो भी दुनिया में उसकी सजा मुकर्रर है। बहरहाल देखते हैं कि आप किस तरह बागी मानते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह हम, कि आप भी हकीकी बागी नहीं मानते, ये मैं साबित करूंगा आप भी हकीकी बागी नहीं मानते। अगर मानते हो तो सैयदना अली कम से कम नहीं मानते हकीकी बागी, फिर आप दुश्मन अली हो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो आप वजाहत करें सही से कि इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी हैं या नहीं है। हम इस हदीस को पकड़ के बात करेंगे, इस हदीस से जाने नहीं दूंगा किसी, आपको बिल्कुल भी हटने नहीं दूंगा। मुझे पता है आपका तरीका क्या है बात करने का, आप इस पॉइंट को छोड़कर भाग जाओगे और दुनिया भर में भागे फिरोगे, नहीं आओगे तो इस हदीस के तहत नहीं आओगे। आप ये बताओ कि इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी हैं या नहीं, और फिर हम हुक्म लगाते हैं बागी पर। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप बताइए कि मुआविया बिन सुफयान इस हदीस के तहत बागी थे या नहीं थे, फिर आगे बात होगी। मेरे वॉइस पर सुने, मैंने वजात कर दी है हकीकी बागी क्या है, बागी हुक्म क्या है, ये वजात कर दी है। अब इस पर आप कुछ फरमाएं, आप अपने कोई इल्मी, आप इल्म का जो थैला खोल दें ताकि इल्म की जो है वो कुछ बारिश हमारे ऊपर कर दें आप। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इस हदीस के तहत हकीकी बागी कौन है और मुख्तलिफ टाइप ऑफ बागी कौन है, मैं तो सिर्फ ये पूछा आपसे इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी है या नहीं है, पहले इस बात को कबूल कीजिए फिर कोई आगे बात होगी। तो ऊपर जो वॉइस सुनी उसमें क्या बोला मैंने, कुछ समझाया आपने? ये तो कहता हूँ कि इस हदीस के मुताबिक मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ और सिर्फ हुक्मन बागी है, जो कोई एतराज़ नहीं बनता, ठीक है, और उनका मुतालबा हक था और उन पर कोई एतराज़ नहीं बनता। मेरा ये मौकिफ़ है। अब आपका मौकिफ़ क्या, वो खोल के बताएं। वो बता चुका हूँ ना, कितनी बार बताऊँ तुमको, कितनी बार सुनने के बाद बात समझते हो। बता चुका हूँ इस हदीस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ हुक्मन बागी है और उन पर भी कोई जरा भर भी एतराज़ नहीं बनता मुआविया पर, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बताओ आपका नजर क्या इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस हदीस के तहत अगर आप उन्हें ये कहते हैं कि वो हुक्मन बागी थे, ठीक है, तो हदीस में कहा लिखा हुआ है कि अमार को एक बागी जिगरों कतल करेगा वो सिर्फ हुक्मन बागी होगा, हकीकत में बागी नहीं होगा। मैं हदीस से अमार से निकलने दूंगा, आपको एक इंच भी नहीं हटने दूंगा हदीस से। मुआविया बिन सुफयान का नाम तो बड़ी हल्के से लिया है। चलो तुम मानते तो हो बागी, ये बताओ ना सबके सामने खुल के जोर से एक पूरे वॉइस नोट के साथ, मुआविया बिन सुफयान इस हदीस के तहत बागी थे, फिर हम हुक्म लगाते। हुक्मन बागी इसलिए कहा है कि सैयदना अली का रवैया उनसे उसी तरह का था। और अगर आप हकीकी बागी मानते हैं तो वो बताएं आप इसमें कहाँ लिखा है कि अमार को हकीकी बागी करेगा, वो जरा बताओ मुझे। अगर हकीकी बागी आप मानते हैं ना तो सैयदना अली को कुरान का मुखालिफ मानना पड़ेगा, हकीकी बागी मानने वाले दुश्मन अली हैं, क्योंकि सैयदना अली ने उनको हकीकी बागी मानकर भी वही बागी वाले अहकाम नाफिज नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, तो आप दुश्मन अली बन रहे हैं इससे। तो आपका एतराज़ मुझ पर नहीं बन रहा, आपका एतराज़ बन रहा अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर कि अली ने हकीकी बागी को छोड़ दिया। कुरान का हुक्म क्या है कि तब तक लड़ो उस एक बागी से जब तक वो आपकी बात मान ले, लेकिन सैयदना अली ने तब तक नहीं लड़े, जंग बंदी कर दी, कोई जंग दोबारा नहीं की, हसन हुसैन ने खिलाफत दी उनको। आप बताएं कि आप क्या मानते हैं, आप क्या सैयदना अली को कुरान का बुखारी मानते हैं? हल्के से ये पागल है क्या तुम? बाकी कसम से तुम दिमागी मरीज हो, अब यकीन हो गया मुझे। हल्के से लिया क्या मतलब, मैं तो तीन वैसे ऊपर बोल चुका हूँ साफ साफ, और क्या हल्के से क्या मैं चीफ आगे चीफ के चला के बोलूँ क्या है? वो जो है वो तुम तो बैठे पगड़खाने में, इसलिए तुम्हें तुम पर कोई इतराज़ नहीं करेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह सही बंदे हैं, हमें भाई बंदे इतराज़ कर सकते हैं, क्या हो गया इसको पड़ोस वाले इतराज़ करेंगे, तो तुम चीफ बात करो भले। बहरहाल मैंने बता दिया है, अब तुम हुक्म बताओ कि सैयदना अली ने उनसे बागी वाले अहकाम नाफिज़ क्यों नहीं किया, कि बागी वाले इतना बताओ मुझे बस। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है आपके ऊपर, कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं आप? यह हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि हुक्मन बागी थे, जाहिरी बागी थे, तो लफ्ज़ है ही नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं। मैं हदीस में एक लफ्ज़ की भी तारीफ नहीं करने दूंगा आपको, पूरे ग्रुप के सामने एक्सपोज कर दूंगा तुम्हें। तुम हदीस अम्मार से भाग रहे हो। इस हदीस में ना हुक्मन बागी का जिक्र है ना हकीकी बागी का जिक्र है, इसमें सिर्फ जिक्र है बागी, सिर्फ और सिर्फ बागी। तो मुआविया बिन सुफयान को तुम इस हदीस के तहत सिर्फ और सिर्फ बागी मानते हो या नहीं मानते, या इस हदीस के मुनकर हो? बताओ, या इस हदीस में कोई तहरीक करना चाहते हो अपनी तरफ से?
मैं हदीस को सईद अली के अमल के मुताबिक मानता हूँ, आपकी तरह शियों वाली जिन्हें तक नहीं मानता। सईद अली को पता था कि नहीं पता था? पता था ना। फिर भी इन्होंने अजमाविया से जंग बंदी क्यों की? फिर भी हसन हुसैन ने क्यों अजमाविया को जो है वो खिलाफत दी? मैं इस हदीस को अली के और हसन हसनैन करीमैन के अमल के मुताबिक मानता हूँ। आपकी तरह दुश्मन अली तो नहीं होनी मैं, आपकी तरह मुंह से दावे करने वाले और हकीकत में अली के मुखालिफ तो होनी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीकी हैदरी हूँ, हकीकी हसन हुसैनी हूँ, इसलिए मैं इस हदीस को अली हसन हुसैन के अमल के मुताबिक मानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सर दोबारा सबसे अपना वॉइस नोट सुनिए, आपकी आवाज़ दब गई थी माविया के नाम लेते में, और पूरी वॉइस नोट आपने सही आवाज़ में किया, उसमें जरा दब गई थी, पड़ोसी ना सुन लेंगे माविया को बाकी कहता है, इसलिए तुम्हें पड़ोसी मारे ना कहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस हदीस में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बागी हकीकी होगा, बागी ज़ाहिरी होगा, बागी हुक्मन होगा। इस हदीस में कहीं मौजूद ही नहीं है, और मैं इस हदीस से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। 28:12 तुम 1400 साल तक भागोगे और इस हदीस पर नहीं आओगे कभी। इस हदीस में कहीं ये अल्फाज मौजूद ही नहीं है। तुम सुलह हसन पर भागोगे, करबला पर भागोगे, दुनिया भर पर भागोगे, कुरान की हर आयत पर भागोगे, नहीं आओगे तो इस हदीस पर नहीं आओगे। इस हदीस में कहां लिखा है कि हुक्मन बागी होगा, हकीकी बागी नहीं होगा? कितनी फालतू बातें करते हो यार तुम, कितनी फालतू बातें करते हो। मेरी पड़ोस वाले से यही बात सुनेंगे, दूसरी बात नहीं सुनेंगे मेरी, है ना? क्या तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो यार? अगर तुम तुम्हें कोई पेशेंट नहीं मिल रहा ना डॉक्टर, तुम पता नहीं प्रैक्टिस करते नहीं करते, तुम पेशेंट मरीज नहीं मिल रहा ना, हमारा सर आगे ना यहाँ खाओ यार, जाओ खुदा की मांग वास्ते। काम की बात करो, बताओ कि तुम हदीस के मुताबिक मगर किस तरह का बागी मानते हो, उसका हुक्म क्या है वो बताओ जरा ना, सवाल कर रहा हूँ, बता नहीं रहे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सवाल तो जब करोगे जब पहले जवाब दोगे। इस हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि हुक्मन बागी है, जाहिरी बागी है, हकीकी बागी नहीं है, कहीं लिखा हुआ है इस हदीस में? मैं इस हदीस से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तो अभी तक क्या करता रहा हूँ, जवाब देता रहा हूँ ना, तुम तो सवाल से भाग रहे हो। मैंने ये कहा ना कि मैं इस हदीस को सईद अली हसन हुसैन की अमल के मुताबिक मानता हूँ। इन्होंने हज़मा पर हकीकी बागी वाले काम नाफिज नहीं किए, ना उनसे उनको अपनी बात मनवाई, ठीक है, ना उन पर बाकी का कमान नाफिस किए, तो मैं क्यों मानूं उनको? मैं तो उनको तुम्हारी तरह क्यों मानूं? मैं तो अली को मानूंगा, तुम्हें मानूंगा, तुम्हारी बात क्या है? मैं तो अली को मानूंगा, सईद अली ने कोई हुक्म नाफिस नहीं किया बाकी वाला, तो मैं क्यों बाकी मानूं? तो बात आगे चला रहा यार, तुम क्या मानते हो? मैंने साफ बोल दिया ना, क्या बोलूं मैं, तुम क्या सुनना चाह रहे हो मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इस हदीस में कहां लिखा हुआ है कि वो जाहिरी बागी थे, हुक्मन बागी थे, हकीकी बागी नहीं थे, जो आप अपनी तरफ से तहरीफ कर रहे हैं, इसमें कहां लिखा हुआ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, तुम उसमें अपने लफ्ज जोड़ रहे हो, बताओ उसने कहां लिखा है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे ग्रुप वाले ही देख रहे हैं कि तुम बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, कि तुम एक लफ्ज का जवाब ही दे पा रहे तुम्हारा मनाजर, और इस हदीस से भाग रहा है सिर्फ। इस हदीस में ये अल्फाज दिखाओ कि कहां है इसमें लिखा हुआ कि हुक्मन बागी नहीं थे, कहां लिखा हुआ है इस हदीस में? और बीच बीच में ये मैसेज करना बंद करो, जब मुनाजरा होता है तो दीगर लोग बोलते नहीं है, तुम्हारा मुनाजर मुद्दे को छोड़कर भाग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सईद अली का अमल इस हदीस के मुताबिक मानता हूं मैं। इस हदीस में अल्फाज नहीं है तो सईद अली ने उनसे क्यों बागी वाले काम नाफिज नहीं किए? ये सवाल सईद अली से बनता है, मुझसे नहीं बनता। मैं तो अली का करूं, मैं तो अली के देखकर हदीस को मानता हूं। सईद अली ने हकीकी बागी वाले कोई काम नाफिज नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, दिखाओ कहां किए हैं, बताओ जरा। मैं तो भाई सईद अली के मुताबिक ही इस रिवायत को मानता हूं, ठीक है? आपके मुताबिक शी वाली जिन्हें तक नहीं मानता, जो आपके मिर्जे में मिर्जे ने आपके दिमाग में ठोके रॉन्ग नंबर, मैं उस तरह नहीं मानता। मैं मानता हूं सईद अली के फेल के मुताबिक, सईद अली फेल का फेल क्या है, मैं उस तरह मानता हूं इस हदीस को, ठीक है? अब आप बताएं सईद अली के मुताबिक मानते नहीं मानते इस बात को? सईद अली ने कहां हकीकी बागी वाले काम नाफिज किए? आगे चल नहीं दे, वही बात कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मुनाजिर अगर कमजोर है तो फिर आप भी आ जाइए साथ में, अपने मुनाजिर से कहलवाइए कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे एक साथी चाहिए, तो मैं अलाउ कर दूंगा, मगर पूरे ग्रुप के सामने ये कबूल करे तुम्हारा मुनाजिर। कमजोर तो आप पड़ रहे हैं, इसलिए वो आपको हिम्मत दे रहा है कि भाई बेटा भागो नहीं, तुम असल बात पे रहो, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लगता है कि मेरा नाम का कीड़ा आपको काट चुका है और आपको कोई इसका इलाज नहीं मिल रहा। मैं इस हदीस की बात कर रहा हूँ, मैं इस हदीस से जाने नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल हिलने नहीं दूंगा इस हदीस से, क्योंकि मेरा दावा ही है। इस हदीस में दिखाना पड़ेगा आपको मुझे, ये जो आप तहरीफ कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये कहां लिखी हुई है ये तहरीफ? इस हदीस के अंदर कोई लफ्ज है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सपोर्ट में बोल रहा है, कमजोर आप हैं, कमजोर का सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ना आपकी तरफ से कोई वॉइस नोट आएगा बीच में मत बोलो, क्योंकि आप कमजोर पड़ रहे हैं यहां पर, आप हदीस छोड़ के भाग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तुम उनकी मदद करने आए हो, तुम्हारा मुनाजिर कमजोर पड़ रहा है, हदीस छोड़ के भाग रहा है, हदीस में अल्फाज दिखाई नहीं सकता तुम्हारा मुनाजिर, जो अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मिर्जा का कीड़ा मुझे काट रहा है, आपको घुसा हुआ है कीड़ा, ठीक है? आपके पता नहीं कहाँ घुसा हुआ है कीड़ा मिर्जे वाला, इसलिए आप मिर्जे वाली जबान बोल रहे हैं ना। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं इस हदीस को सईद अली के अमल के मुताबिक मानता हूँ, लेकिन आपको एक बार बात समझ नहीं आती, वही तो कह रहा हूँ कि आप दिमागी मरीज हैं, आपको बात समझ नहीं आती। मैं इस रिवायत को सईद अली के अमल के मुताबिक मानता हूँ। सईद अली ने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि उनको जन्म कहा हो, उनको उन पर बागी वाले अहकाम नाफिज किए हों, कोई सईद अली ने ऐसा अमल नहीं किया, बात सीधी है, तो मैं क्यों मानूँ? आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं चल रहे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मैं इस हदीस से आपको जाने नहीं दूंगा, आप 1400 साल तक भागेंगे और हर इंसान के पास भागेंगे। इस हदीस में ये अल्फाज दिखाओ कि कहां लिखा है कि हकीकी बागी नहीं थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाज हैं कि बागी थे, तो तुम इस हदीस के तहत माबी बिन सुफियान को बागी मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ, और तुम अपनी तरफ से कोई तहरीफ करते हो अल्फाज की, तो वो फिर हदीस में दिखाओ।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको कोई चमचा अगर साथ में चाहिए ना तो आप खोल के बताइए कि आपको चमचा चाहिए, आप कमजोर पड़ रहे हैं यहाँ पर, पूरे ग्रुप के सामने बताइए। और वरना आपने चमचे को बंद कीजिए कि खामोश हो जाए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और आपको कमजोर पड़ रहे हैं तो आप बुलवाइए चमचे को, दोनों आ जाइए एक साथ, और मैं पूरे ग्रुप के सामने तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगा। इस हदीस से जाने नहीं दूंगा मगर तुम दोनों को। मैं इस हदीस से नहीं भागा, मैं सिर्फ सईद अली के अमल के मुताबिक इस हदीस को मानता हूँ, बात खत्म है। क्योंकि आप दुश्मन अली है इसलिए आप इस रिवायत को जो है वो सईद अली की अमल के मुताबिक नहीं मानते। इस क्योंकि आप दुश्मन हसन हुसैन है इसलिए आप इस रवायत को दुश्मन है हसन हुसैन उन्होंने की बुनियाद पर हसन हुसैन के अमल के मुताबिक नहीं मानते आप, ठीक है। मेरी बात साफ है, जब भी आप ये बोलोगे मैं बोलूंगा कि मैं अली और हसन को अपना इमाम मानता हूँ इसलिए मैं उनके मुताबिक ही इस रवायत को मानता हूँ, बात सीधी है। आप क्योंकि नाम के अली के मुहिब हैं, हकीकत में आप जो है वो दुश्मन अली हैं, इसलिए आप इस रवायत को अपनी सोच से मानते हैं ना कि सईद अली की सोच से। अभी आप आगे भी चलेंगे नहीं चलेंगे, आप बताएँ कि सईद अली के मुताबिक इस रवायत को मानते नहीं मानते। मैं तो इस रवायत पर चल रहा हूँ ना, मैं कहाँ भागा हूँ, मैं इस रवायत पर बाकी वाली बात कर रहा हूँ, और क्या बात कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बात हो रही है हदीस अम्मार से मुताल्लिक। आप भागे ना इसे छोड़कर, कभी सुलह हसन पर भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो। इस हदीस में ये जो आप अल्फाज जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, ये कहाँ लिखे हुए हैं? मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, ये जो आपने जोड़े हैं अल्फाज, ये कहाँ है हदीस के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सवाल चना कर रहा हूँ, जवाब गंदम दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस हदीस से नहीं जाने दूंगा मैं आपको। इस हदीस में ये जो आपने तारीफ करके बताइए ना कि वो जाहिरी बागी थे, हुक्मन बागी थे, हकीकी बागी नहीं थे, ये हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में लातों के भूत है ना, बातों से मानते रहे। मैंने पहले भी वॉइस नोट डाला तो आप माने नहीं, अपनी औकात पर आ गए आप, और फिर मैंने करा किया तो आप मान गए। तो यही आपकी औकात है, वह दिखानी बहुत जरूरी होती है, तभी आप मानते हैं, वरना आप मानते नहीं। चलो मैं फोन नहीं जोड़ रहा ना, मैं हुक्म कह रहा हूँ ना, हकीकी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस को मैं सईद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, सईद हसन करीम के अमल के मुताबिक मानता हूँ, ठीक है ना, हकीकी बोल रहा हूँ ना, हुक्म मानता हूँ ना, बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का बागी सईद हसन हुसैन ने सईद अली ने समझा, उस तरह का मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब बात साफ हो गई, अब आप बताओ क्या समझते हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इस हदीस से मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अब आप कभी हजरत अली की तरफ भागेंगे, कभी हसन हसन की तरफ, कभी हजरत हुसैन की तरफ, और पूरी कायनात में आप भागेंगे, नहीं आएंगे तो इस हदीस पर नहीं आएंगे। इस हदीस में जिस हिस्से को आप मानते हैं, हजरत अम्मार को एक बागी जमा कतल करेगी, वहां कहां लिखा हुआ है कि वो बागी हकीकी बागी नहीं होगा? मैं इस हदीस से जाने नहीं दूंगा। आप मारिया बिन सुफियान को इस हदीस के तहत ही तो बागी मानते हैं ना, तो फिर जब इस हदीस के तहत आप बागी मानते हो और उस हिस्से को भी मानते हैं हदीस के आप, तो फिर इस हदीस के तहत ही बागी मानी उन्हें, फिर हम हुक्म लगाएंगे आगे से। और कबूल कीजिए कि वो खाली बागी थे, इस हदीस में खाली बागी लफ्ज का इस्तेमाल है, सिर्फ और सिर्फ बागी, उसके साथ कोई मीम चे प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं लगा हुआ, वो सब आपकी अपनी तहरीफ है। कोई नई बात नहीं कर रहे, वही पुरानी बात, किसी भी बातें दोहरा दोहरा कर रहे हो। इसको आगे बढ़ना नहीं है, जो भी सामने सुन रहे हैं इसको आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आगे जो मेरे सवाल ना लिमा के वो उसे गड़े बढ़ रहे हैं, हुक्म बागी का और दूसरे जो मेरे सवाल किए हैं इसे बहुत बुरा फंसा हुआ है ये। इसमें इल्मी लवारिस हैं कुछ नहीं इनके पास, अभी बार बार बात कर रहा है। मैंने वो कहा भी है कि चलो ठीक है, मैं हुक्म हकीकी बाकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं सईद अली के अमल के मुताबिक इस हदीस को मानता हूँ। अब ये कह रहा है अली का अमल भी पेश नहीं करो, यानी ये देखें सईद अली को जो मानने के दावे करने वाले अब सईद अली के अमल से भाग रहे हैं, देखें यानी सईद अली के अमल भी इनके हुज्जत नहीं है। अगर हुज्जत है तो मानता, यानी सईद अली ने जो इस हदीस के होते हुए सईद अली ने अमल किया उसको भी नहीं मान रहा है। ये देख लें सारे, ये अली के चाहने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं अली के नाम पर, ठीक है। तो बात सीधी है कि सईद अली ने जिस तरह किया वो ये मानते हैं। सईद अली ने कोई बागी वाले का मामला नहीं किए ना, उनको बात मनवाने तक लड़ी कुछ भी ऐसा नहीं किया ना, हसन करीम ने उनके खिलाफ कोई बात की बल्कि उसको उल्टा जो है वो खिलाफत दे दी। मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा इनकी तरफ, क्योंकि वो मेरे रहनुमा है, मेरे अपने रहनुमा के मुताबिक ही मैं कुरान हदीस को मानूंगा। आपकी तरह मैं बगैर रहनुमा की नहीं मानूंगा। आपका रहनुमा है जनाब मिर्ज़ा, जो अगर गुस्सा हुआ आपके, ठीक है, मेरा रहनुमा अली हसन हुसैन है, ठीक है। तो इसलिए बात सीधी है, मैं अपने रहनुमा के मुताबिक इस रिवायत को मानूंगा। आपको ना माने, ना माने खत्म बात, अब ना माने लिखो, ना माने हसन हुसैन को कोई जरूरत नहीं आपको मानने की। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मैं एक पॉइंट पर रह के बात करता हूँ, मैं इधर उधर ना भागता ना भागने देता किसी को, और आप जान चुके हैं कि यहाँ पर अब आपकी मौत है, आपके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है इसमें, क्योंकि इस हदीस में क्लियर अल्फाज मौजूद हैं बागी होने के, उसमें कोई इजाफी लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो आप इसमें कबूल करें कि इसमें कोई इजाफी लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ये जो लफ्ज़ जोड़े थे ये आपने अपनी तरफ से जोड़े हैं, ये अल्फाज इस हदीस के मौजूद नहीं है, ये कबूल करें, फिर हम हज़रत अली, हज़रत हसन और हुसैन की तरफ चलते हैं। मगर आपको ये मानना पड़ेगा पहले कि ये जो इजाफी अल्फाज थे ये आपके अपने थे, और मारिया बिन सुफियान इस हदीस के तहत खाली बागी है, कोई अल्फाज उसमें जोड़े हुए नहीं है। फिर हम हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अली इनकी तरफ चलते हैं, और यहाँ भी मैं आपको ऐसे ऐसे जवाब दूंगा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखे होंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपना वॉइस नोट लगा दिया, इसके बाद अब मेरा मुखालिफ अपना वॉइस नोट लगाएगा और मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इंडिया में असर की नमाज का टाइम हो चुका है, तो उनका जवाब मैं नमाज पढ़ के लौट के दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको पहले बता चुका हूँ ना, कि मैं तो सईद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हसन करीम के अमल के मुताबिक इस रवायत को मानता हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई मतलब घड़ कर और फिट करूँ ये मेरी तबीयत नहीं है, ये आपको मुबारक हो, ठीक है। बाकी रही बात आपके जवाब की, तो हम उसके जवाब पर मुंतजर हैं, डेढ़ घंटा हो गया अभी तक जवाब को नहीं दिया आपने, जरा बिस्मिल्लाह करें, वो जरा जवाब देना कहाँ है वो,
सईद अली ने किस तरह अमल किया, क्या बाकी वाला अहकाम नाफिस किए? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया आपने। अब वो सफ़ी वाली बातें कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, करता कुछ नहीं है, ठीक है ना, हवाई फायरिंग होती है बस। तो जो करना है वो करें, जो जवाब देना है वो जवाब दें, बिस्मिल्लाह करें। अपनी ज़रा इल्मी जो है वो दलाल की बरसात करें हमारे ऊपर, हम देखें कितने आप बड़े आलम है ना। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हां, इल्म तो हम आपको जानते हैं पहले से, आप कितने बड़ी इल्मी शख्सियत, ये तो छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से आप हदीस अम्मार से भाग रहे हैं ना, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से आप भाग रहे हैं। आपने जो तहरीफ की है ना हदीस के अंदर, कि वो ज़ाहिरी बागी थे, हुक्मन बागी थे, हकीकी बागी नहीं थे, ये आपकी अपने अल्फाज हैं। और रही बात कि हज़रत अली ने क्या फतवा लगाया बागियों के ऊपर, फिर उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। और अगर आप बात करते हैं हज़रत अली के मौके की, तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे, हज़रत हसन हुसैन के मौके पर भी बात करेंगे, सुलह हसन पर भी बात करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे, वहीं जाके बात करेंगे। और मैं आपको हैरान कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से आप हैरान और परेशान हैं हदीस अम्मार में उलझे हुए हैं, ये जो आपने अल्फाजों की तहरीफ की ना, ये साबित कीजिए कि इस हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं या नहीं है, जो आपने तहरीफ करके इसके अंदर डालने की कोशिश की है, या फिर अपनी गलती माने पूरे ग्रुप के सामने कि आपने ये अल्फाज अपनी तरफ से जोड़े हैं, हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद ही नहीं है, हदीस के अंदर बागी लिखा है, ये अल्फाज प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपने जोड़े हैं, इस हदीस के तहत माविया बिन सुफियान बागी हैं, बगैर किसी सफिक्स और प्रीफिक्स के इसे कबूल करें, फिर हम हर मौके पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, हर मौके पर। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सहारा देने के लिए मत आइए अपने मनाज़िर का इस वक्त, और अगर आपका मनाज़िर इस बात को कबूल कर लेगा, उसे आपके सहारे की जरूरत है, तो आप भी आ जाइए मैदान में, मैं आपको और आपके मनाज़िर को सबको देख लूँगा एक साथ, ठीक है। पहले मगर अपने मनाज़िर से कहलवाइए, उसे आपकी सहारे की जरूरत है इस वक्त, तो ये बचाव वाला खेल ना खेलें यहाँ पर आके, कि इंगेजमेंट करें आके सामने वाले मनाज़िर को, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और आपका मनाज़िर वहाँ पर स्किप करके निकल जाए। तो अभी मैं आपके मनाज़िर को निकलने नहीं दूंगा, और रही बात आपकी, तो इसके बाद आप शुरू हो जाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी मैं बात कर लूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप अलग बात करना चाहते हैं और अपने मनाज़िर के साथ बात करना चाहते हैं, तो अपने मनाज़िर के साथ भी बात करें, मगर आपका मनाज़िर इस बात को कबूल करे, सबके सामने को एक सहारे की जरूरत है। आपकी इल्मी औकात देख के मैं इस तरफ जा नहीं रहा ना, कि हकीकी और रुकनी बागी, क्योंकि आपकी समझ से बाहर आई बात है ना, तो मैंने इसलिए एक वाज़े बात की ना, कि मैं इस हदीस को सईद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के और हसनैन करीमैन के अमल के मुताबिक मानता हूँ। उन्होंने कोई भी ऐसा बागियों वाला हुक्म नाफिज़ नहीं किया माफ़ पर, तो मैं क्यों उनको बागी मानूँ और तंज करूँ, जिस तरह आप रुखा का नाम ले रहे हैं, बदतहज़ीब कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगा इस तरह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्का हैदरी हूँ, पक्का हसन हुसैनी हूँ, इसलिए मैं उन्हीं की अमल के मुताबिक इस रात को मानता हूँ। इसलिए मैं कभी नहीं आपके जो कहने का मकसद है कि मैं उनको जहाँ भी करूँ उस तरह कहूँ, उस तरह कहूँ, ये आप जो है वो नाकाम कोशिश है आपकी, ये आपका फहम हो सकता है। मैं असली हैदरी हूँ, असली हुसैनी हूँ, इसलिए मैं इस तरह बात नहीं करूँगा, बात सीधी है, ठीक है। तो मैं सईद अली रज़ियल्लाहु अन्हु हसनैन करीमैन के अमल को देखा, तो हमें यह लगा कि हज़रत माविया कोई हकीकी बागी नहीं है, अगर होते तो सईद अली कभी उनसे जंगबंदी ना करते, जंगबंदी चलती रहती, यानी जंग चलती रहती। लेकिन हम देखते हैं सईद हसन हुसैन आगे जाके बैयत कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स जो जन्मी भी हो उसकी बैयत तो हो नहीं सकती, ठीक है, ना उसको इस्लामिक मुतवाल की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अली का, हज़रत हसन हुसैन का सबका फहम भी देखेंगे, उनका अमल भी देखेंगे, उनके अल्फाज भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए हो जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि वो जमात बागी होगी, ये आप मानते हैं और यह हदीस मुतवातिर भी है, और आप ये भी मानते हैं कि माविया बिन सुफियान इस हदीस के तहत बागी हैं, मगर उसमें आप अल्फाज जोड़ने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से माविया को बगावत से बचा लिया जाए। तो ये जो अल्फाज आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, ये अल्फाज हदीस के अंदर कहाँ हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आप ये अल्फाज दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। दूसरी तरफ याद रखिएगा, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम को बना ले, या जहन्नम बना ले, मुख्तलिफ अल्फाज अलग हदीसों में मिल जाएंगे आपको। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये आपने अपने अल्फाज कैसे दाखिल कर दिए, इसके लिए आप यहाँ पर रुजू कीजिए कि तहरीफ आपने की है इस हदीस के अंदर, वरना आप उन्हीं लोगों में से होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये झूठ बांध रहे हैं, क्योंकि इस हदीस में ये अल्फाज मौजूद ही नहीं है, हुक्मन हकीकी दीगर किसी के कहाँ इसमें अल्फाज मौजूद है, ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप झूठ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से मुनाज़रा में जीत जाऊँ, माविया बिन सुफियान की मोहब्बत में आके आप नबी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया आपने। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए, बीच में ना बोलें, या तो आप अपने मुनाज़िर से कहलवाएं कि उसे आपकी जरूरत है, आप सहारा देंगे उसे, तो ठीक है, आप दोनों आ जाओ, मैं आप दोनों से बात कर लूँगा। ये जो है ना चोर पुलिस का जो खेल आप खेल रहे हैं, कि बीच में आए जब आपका मुनाज़िर कमजोर पड़ा तो फौरन आपने आके अपना वॉइस नोट लगाना शुरू कर दिया, ये ना खेलें। आप अपने मुनाज़िर से कहलवाएं सबके सामने कि उसे आपके सहारे की जरूरत है, तो फिर आप आइए और मैं आपको, आपके मुनाज़िर को, दोनों को एक साथ देख लूँगा। ये तो कमजोरी की निशानी है कि जब आपको लगा कि आपको मुनाज़िर फंस गया, जवाब नहीं दे पा रहा, हदीस अम्मार में वो तहरीफ कर रहा है अल्लाह के रसूल सल्लम के ऊपर, एक झूठ बांध रहा है जो हदीस के अल्फाज ही मौजूद नहीं है, और भागने की कोशिश कर रहा है, कभी मौकफ की तरफ जा रहा है, कभी अल्लाह के रसूल सल्लम के असहाब की तरफ भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी अहले बैत के पीछे भाग रहा है, कभी हज़रत अली के पीछे भाग रहा है, कभी हज़रत हसन हुसैन सब के पीछे भाग रहा है, नहीं आ रहा था हदीस अम्मार पर, नहीं आ रहा कि जो उसने तहरीफ की है इस हदीस के अंदर, कि कहाँ है ये अल्फाज, तो आप उसका बचाव करने आ गए। अपने मुनाज़िर से कहलवाइए कि उसे आपके सहारे की जरूरत है, वो फंस गया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या तो आप समझदार काम है, या फिर आपने शुरू से मुनाज़िरा सुना नहीं है, आपका मुनाज़िर इस बात को मान चुका है कि इस हदीस के तहत, हदीस अम्मार के तहत माविया बिन सुफियान बागी है, ये मैंने मनवा लिया उसे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। मैं सारी चला के जानता हूँ नासबियों की, मैं रात और दिन नासबियों से मुकाबला करता हूँ।
ठीक है, जितनी गलाजत में आप लिखे हुए हैं ना, मैं आपकी तमाम गलाजतें जानता हूँ उस मामले में, कि एक नासबी दूसरे नासबी को सहारा देने भागाया, कि तुम्हारे मुनाजिर के पास जवाब मौजूद नहीं है तो आप भाग रहे हो, हदीस में तहरीफ कर रहे हो अपनी तरफ से, और तहरीफ का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारा मुनाजिर इस बात के लिए मान चुका है कि मालिक बिन सुफयान इस हदीस के तहत भागी है, बस वो अल्फाज जोड़ रहा है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा रहा है, उसके आगे पीछे अल्फाज जोड़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अल्फाज इस हदीस में कहाँ है, बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लम पर झूठ बांधने का इल्जाम या नतीजा क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर ये आपका ग्रुप आप हर धर्म में उतर आएंगे, जब आपका मुनाजिर भाग गया और वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो एक एक करके तमाम एडमिन जो है अपने मुनाजिर का सहारा देने चले जाएंगे, पहले एक चला गया था दूसरा आ गया, आपसे तो मुनाजिर क्या हुआ नहीं। और अगर आपका मुनाजिर ये कह दे तो उसे आपके सहारे की जरूरत है, तो मैं अभी कभी आपसे और आपके मुनाजिर से दोनों से मुनाजिर शुरू कर दूँगा अभी कभी। उससे पहले आप खामोश रहे, पहले अपने मुनाजिर से जाकर बात करें, वो तैयार है आपको अपने साथ रखने के लिए नहीं, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है अपने आप, क्योंकि मुनाजिर के पास जवाब नहीं है तो दीगर साथी नासबी बोल पड़े बीच में से कि लाओ किसी तरीके से जवाब दिया जाए। भाई कब देखेंगे वो, कब होता है वो, हम देखने का, हमारे लिए दीन समझने का और फरमान रसूल को समझने का हल यही तो है कि हम सहाबा की बात माने, उनके नक्शे कदम पर चले, जो उन्होंने समझाया है उन्होंने किया है उसी के मुताबिक हम भी समझे और हम भी करें, ऐसा नहीं कि उन्होंने समझा कुछ और हम करें कुछ, ये तरीका नहीं ना भाई। तो कब आप उनको बीच में लाएंगे? क्या आपके नज़र सही नाली का तरीका उचित नहीं है? क्या जिन्होंने वो इस रवायत से समझा क्या वो आपके लिए उचित नहीं है? तो क्यों नहीं आप कब आएंगे उसके पास? आप वजह क्या है, क्यों अपना मतलब अखस करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं आप, क्यों सही नाली की तरफ नहीं आ रहे हैं, वजह बताएं मुझे। भाई बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, असल में ये बहुत फंसे हैं, इनको आगे नहीं चलना, इसलिए ये यहाँ से टाइम पास कर रहे हैं। इनके गले में से बात अटकी हुई है कि इनको आगे चलना ही नहीं, आगे चलेंगे तो फंसेंगे, इसलिए यहाँ इन्होंने हैंड ब्रेक मार दिया, आगे चलेंगे हिम्मत नहीं कर रही है, तो आगे चलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, यहीं टाइम पास करेंगे, मुझे पता है, मैं जैसे को जानता हूँ मैं। अब देखें आगे मैं इनका क्या करता हूँ, उधर आगे देखिए, ये चलेंगे नहीं, मेरे को कसी के लिए जमा आगे कोई मसला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारा जो दावा था वो था हदीस अम्मार, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो कि हदीस मुतवातिर है। तो सबसे पहले हमारे लिए हुज्जत हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, इस वाले हिस्से को आप मानते हैं और कबूल कर चुके। फिर इस हदीस के तहत आप माविया बिन सुफियान को भी बागी मानते हैं, ये भी आप मान चुके। अब आपको ये मानना है कि इस हदीस में आपने तहरीफ की है, अपनी तरफ से अल्फाज जोड़े हैं जो कि हदीस के अल्फाज ही नहीं है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मौजूद नहीं है हदीस के अंदर, जो आपने अपनी तरफ से जोड़े हैं। तो लिहाजा इस मामले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एड्रेस किया है कि किसी ने अगर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया तो वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। या तो आप रुजू कीजिए अपनी इस बात से और अपनी शिकस्त कबूल कीजिए कि हाँ आपने अपनी तरफ से तहरीफ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज नहीं है हदीस के अंदर, वहां अल्फाज बागी के हैं, ना कोई आगे लफ्ज जुड़ा हुआ ना कोई पीछे लफ्ज जुड़ा हुआ, ये जो जोड़ा है वो आपने खुद जोड़ा है, अपनी मर्जी से जोड़ा है। आप नबी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हदीस ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी कि ताकि मावी बिन सुफयान को किसी तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि उस हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है कि हकीकी हुक्मन जाहिरन, ऐसे कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। ये तहरीफ आपने किए, हमारे लिए कोई भी डेफिनेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात को एक्सप्लेन करेंगे वो है हुज्जत, क्योंकि नबी से ऊपर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ऊपर वो, उन्होंने बताया इस बात को, तो उनकी बात में आपने तहरीफ की इसमें, तो आप रुजू कीजिए और कबूल कीजिए गलती अपनी और मावी बिन सुफयान को बागी करिए, खाली बागी, कोई अल्फाज आगे पीछे नहीं। हम हमें फालतू की बात भेजने क्या फायदा, कई बार मैं बता चुका हूँ कि आगे चलें, मैंने जो कहना था कह दिया, बार बार वही बात करके अल्फाज बदल के बातें वही करना है, आपके पास टाइम का टाइम नहीं है, ठीक है, आपको अगर बात करनी है तो तरीके से करें, मैंने जो कहना था कह दिया, बार बार मैं वक्त नहीं कि मैं अपनी बार बार बात दोहराऊं, तो मैंने जो कह दिया है वो कह दिया है, आपने सुन लिया, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो बात साफ करें, साफ करिए मैं गलत कह रहा हूँ, अगर सही कह रहा हूँ तो बात माने, गलत कह रहा हूँ तो बस पता है कि गलत कह रहा हूँ, किस तरह गलत कह रहा हूँ मैं, हदीस नबी आपसे बेहतर सही नाली समझते हैं, सही नासमझ समझते हैं, ठीक है, आप उनको ना पढ़ाएं, आप पढ़ा रहे हैं सही नाली को कि तुमने जो गलत किया है, हम अभी ऐसे जो है वो बाकी हमारा अख्तियार नहीं किया, अभी पढ़ा रहे हैं सही नाली रजीलानों को, क्या उनको पता नहीं था इस रवायत का, आप आज खुलकर सामने आए हैं, आज आपका बहुत मावी के साथ बहुत जल्दी खुलकर सामने आया है, अगर बहुत ऐसा नुसैन भी हो गए हैं, ठीक है, आप उनका नाम तो लेते हैं कि हमारे हुसैन हैदरी हैं, लेकिन आप जाली हैं, ये झूठे दावे आपके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मोहब्बत तो अहले बैत से जग जाहिर है और ये तमाम यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और उनके मुखालिफिन के खिलाफ भी हमारी हकीकत सब जानते हैं, हमें किसी कोई सी चीज़ पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए हमें। मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, इन सब से जो हमारी अकीदत और मोहब्बत है ना वो सब जानते हैं, और इनके मुखालिफिन के ऊपर जो हम ज़र्ब लगाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में और वही मौके रखते हैं जो कुरान और हदीस के अंदर मौके मौजूद है उनके मुखालिफिन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट लेने की आपसे ज़रूरत नहीं हमें बिल्कुल भी। एक बात, दूसरी बात कि हमारा मौजू है हदीस अम्मार सही बुखारी 28:12। इस हदीस के अंदर आपने तहरीर की है, आपने अपनी तरफ से अल्फाज जोड़े हैं, ज़ाहिरन हुक्मन हकीकतन मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के आप बार बार अल्फाज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हदीस के अंदर ये अल्फाज ही मौजूद नहीं है। और अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बांधता है ना, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, क्योंकि हदीस पर अल्लाह के रसूल ने कोई अल्फाज जोड़े नहीं है बाकी के सामने, और आपने तहरीफ की है हदीस में,
सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2, वो बुखारी में भी मौजूद है, कई सारे तौर हैं इसमें, कि ऐसा शख्स अपना मुकाम जहन्नम को बना ले जो आपने यहां पर काम किया है। या तो आप अपनी बात से रुजू करें, या फिर आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं। सारा ग्रुप देख रहा है और अल्लाह देख रहा है, और मैं इस मुनाज़रे को यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा, सबको पता चल जाएगा। और सबको पता है कि नासिबी जो है माविया बिन सुफियान को बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ बांध सकते हैं, और ये आपने यहां पर करके दिखाया है, क्योंकि हदीस में ये अल्फाज ही मौजूद नहीं है जो आप इसमें यहां पर जोड़ रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, और बात को घुमाकर अहले बैत के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी नासिबियत है। जब भी कोई ऐसी बात आपके सामने आती है जिसमें कि किसी तरीके से अहले बैत के खिलाफ कोई बात हो सकती है, तो फौरन आप उस बात का रुख उधर की तरफ कर देते हैं ताकि अहले बैत पर ज़र्ब गिरे, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज कर रखा है। आप जैसे नासिबी जो है ना, उनके ऊपर कोई ज़र्ब गिरा ही नहीं सकते, आप किसी भी बात को उनके ऊपर मोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उधर बात कर ही नहीं रहा, मैं तो हदीस अमार पर बात कर रहा हूं। आप भाग रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के किसी भी मौके पर, हम एक अलग मुनाज़रा रखेंगे, टाइम तय कीजिए मेरे साथ, मैं आपको चैलेंज करता हूं किसी भी मौके पर, इमाम हसन हुसैन और सुलह हसन पर, तो मैं आपको साफ ही कर दूंगा और आपकी सारी इल्मी हकीकत दुनिया के सामने रख दूंगा। आप ये बताएं कि आपने ये अल्फाज अपनी तरफ से तहरीर करें, आप इसे रुजू कीजिए पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा मुनाज़रा यहाँ पर हो रहा है फ़खरुज़्ज़मा से, जो कि देवबंदी हैं, और अब उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। उन्होंने हदीस के अंदर तहरीर करने की कोशिश की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो अल्फाज बांधे हैं जो उन्होंने हदीस अमार में नहीं कहे। वो कहते हैं कि ज़ाहिरन बागी थे, हुक्मन बागी थे, हकीकतन बागी नहीं थे। इस हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान किए वो खाली बागी के किए हैं। तो माविया बिन सुफियान इस हदीस के तहत बागी हैं, और ये मेरे मुखालिफिन इस बात को मान चुके हैं कि हदीस अमार का पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, यानी कि हजरत अमार को एक बागी गिरोही कतल करेगा, इस बात पर वो एग्री हैं। माविया बिन सुफियान इस हदीस के तहत बागी हैं, इस बात पर भी एग्री हैं, मगर इसमें अल्फाज जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अदा किए। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2 मैं इसके नीचे भी लगा दूंगा आपको, वो आपको मिल जाएगी, कि ऐसा कोई शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोले, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं कही बात, तो वो अपना मुकाम जहन्नम में बना ले, या अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। मुख्तलिफ अल्फाज अलग अलग तौर पर बुखारी के अंदर भी मौजूद है वो, और मुझे कभी भी इस ग्रुप के एडमिनशिप से हटाया जा सकता है, इस ग्रुप से भी रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इनका मनाज़िर फंस चुका है और कई सारे उसको सपोर्ट करने के लिए साथी उतर चुके हैं। ऑलमोस्ट अब तक 3 साथी उतर चुके हैं उनकी तरफ से, और मैं अपने यूट्यूब लिंक भी यहाँ पर लगा देता हूँ इसके नीचे, ताकि सब लोग कल मुनाज़रा वहाँ देख लें। मैं कल अपलोड कर दूंगा इस मुनाज़रे को, और अपने ग्रुप का भी एक लिंक नीचे दूंगा, ताकि कोई रब्ता कायम करना चाहे मुझसे तो मेरे ग्रुप में आकर मुझसे रब्ता कायम कर सकता है। और साथ ही मैं एक JPG लगाऊंगा जिसमें अहले सुन्नत की तरफ से ये बताया गया है कि माविया बिन सुफियान मुतलकन बागी थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुनाज़रा अपलोड करने से मुताल्लिक मैं आपको एक वॉइस नोट लगा देता हूँ, कि इसमें जो दीगर अफराद जो बीच में अपने वॉइस नोट लगाए या उन्होंने कोई मैसेजेस किया है, वो हमारे मुनाज़रे की रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम क्या है और तुम उसके झांसे में आ गए। असल में नासबी जाहिल ही होता है और वो जाहिल ही मर जाता है, तो तुम जाहिल ही हो, जाहिल ही मर जाओगे, क्योंकि तुम आंख खोल कर भी देखोगे नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें बता दिया, बस तुम वही मानते रहोगे और छोटी छोटी बातें पकड़ते रहोगे, छोटी छोटी कहीं से एक मौके पर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मौके सुनोगे तो तुम्हारे खिलाफ है, मौके तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है, इसलिए तुम ये छोटी छोटी बातों में लोगों को फंसाने की कोशिश करोगे। इसका नाम मैंने ऊपर वाले क्लिप में लिख रखा है, फ़खरुज़्ज़मा नाम है इसका। ये सबको झूठ बताता पड़ता है, और तुम जैसे जाहिलों को ये झूठ बताता है तुम लोग मान लेते हो, क्योंकि तुम लोगों को कहानी सुनने की आदत पड़ गई है, किसी ने कुछ कहानी सुना दी तुमने आगे पढ़ दी, वो कभी कोई तहकीक ही नहीं करी खुद, और कभी तहकीक करने की कोशिश करी तो ज़बरदस्ती देख लिया, इससे ज़्यादा तुम्हारी इल्मी हैसियत नहीं। जो जो आप बातें कर रहे हैं ना, उन पर पूरा कभी नहीं उतर रहे, अभी भी नहीं उतर रहे, मुसलसल आप सैदा अली के सैदा हसनैन के अमल को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपकी रट यही कि हदीस पे आओ, हदीस पे आओ, मैं कह रहा हूँ ऐसी हदीस पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अमल है अली और अमल हसनैन के मुताबिक, लेकिन आप इस तरफ आने की तैयारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस हदीस को मानो, आपको कह रहा हूँ कि इस हदीस को मानो, आपको दावत दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह हसन हसन हुसैन और सैदा अली ने माना रज़ी अल्लाह अन्हु, उस तरह मानो, लेकिन आप सिर्फ नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं आपके पास, मोहब्बत अहले बैत के झूठे दावे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको मानना होता ना, तो अब अभी बिस्मिल्लाह करते कि ठीक है बिस्मिल्लाह, चलो सैदा अली ने किस तरह रवैया अख्तियार किया माविया से, आप इस तरह कहते, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं कि आप इस तरह आए, आपको कोई जरूरत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं आपको, अभी भी आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप आ जाएं, सही नारी का क्या रवैया था उसको आ जाएं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हो रही, अभी भी हिम्मत नहीं हो रही आपकी, आगे नहीं चलना, वही रट लगाना, वही रट लगाना। मैं तो 2 घंटे पहले कह चुका हूँ कि हकीकी और हुक्मी को छोड़ो ना, मैं आपको पूरी पॉइंट बात बता रहा हूँ, सही नाली पर आ जाएं, लेकिन आपको इस तरह आने की जरूरत ही नहीं हो रही, आप वही पुरानी बात लेकर चल रहे हैं और आप इसी तरह करेंगे। खैर, मैंने कुछ वक्त देखूंगा आपको, फिर मैं जो दलाल भेजूंगा ना, फिर वो आपके होश उड़ा देगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, आप सही रास्ते पर आ जाएं और तरीके से बात करें, सैयद अली के अमल पर आ जाएं और सैयद अली के फहम के मुताबिक इस रवायत को लें, सैयद हसनैन के फहम के मुताबिक इस रवायत को लें। अगर आप नहीं आएंगे, मजबूरन मुझे वहाँ आपको लेकर जाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि आप दुश्मन अली हैं, दुश्मन अहले बैत हैं, आप दुश्मन बहुत मुआविया में अली और हसनैन को छोड़ चुके हैं। मैं साबित करूँगा, जिस तरह मैंने यासर की बोलती भी बंद की थी ना, आपकी भी करूँगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
आप कितना भी इस हदीस से भागने की कोशिश करें, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातिर से आपको भागने नहीं दूंगा। और आप इसके पहले हिस्से को मान भी चुके हैं कि मावी बिन सुफयान बागी थे, मगर इसके अल्फाजों की तहरीफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप रुजू करें कि आपने इस हदीस में अल्फाज जोड़े हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी ने ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब कर दी जो मैंने नहीं कही, वो अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। इस हदीस में ये अल्फाज ही मौजूद नहीं है जो आप अल्फाज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले रुजू कीजिए, वापस नहीं लीजिए, आपको रुजू करना पड़ेगा और मावीया बिन सुफयान को बागी मानना पड़ेगा पहले। तो आप मानिए, सबसे पहले मावीया बिन सुफयान को खाली बागी कहिए, जो खाली बागी थे। इस हदीस में कोई अल्फाज नहीं है तहरीफ के। मैं आपको छोड़ दूंगा ये, फिर हम अगले टॉपिक पर बात करने शुरू कर देंगे फौरन ही, मगर पहले आपको रुजू करना पड़ेगा क्योंकि अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। फिर हम हजरत अली के अमल की तरफ भी चलेंगे, फिर हम चलेंगे हजरत अली के फतवे की तरफ चलेंगे, फिर इमाम हसन और हुसैन सब की तरफ चलेंगे, मगर पहले आपको रुजू करना पड़ेगा और मावीया बिन सुफयान को बागी मानना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए आप मान लिए ना, रुजू कीजिए कि आपने गलती की थी, तहरीफ आपने खुद की है, और आप इस बात से रुजू करते हैं और मावी बिन सुफयान को बागी मानते हैं, खाली बागी मानते हैं, ना प्लास्टिक का ना चाइना का, कहीं का बागी नहीं, सिर्फ बागी मानते हैं हदीस के तहत। हम आगे चलने को तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये सर मैंने आपके लिए नहीं भेजी है, और ये मुझे चूंकि आपके साथ बहुत सारे मुनाज़िर उतर पड़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आप कमजोर हो रहे हैं और आप बात नहीं कर पा रहे और आप ना अपनी गलती कबूल कर पा रहे, क्योंकि आपने हदीस में तहरीफ की है और आप भाग रहे हैं अली के अमल की तरफ, उधर उधर चारों तरफ भाग रहे हैं। हम हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं, मगर पहले आपको रुजू करना पड़ेगा और मावी बिन सुफयान को खाली बागी मानना पड़ेगा हदीस के तहत, क्योंकि हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं। ये मैंने आपके लिए नहीं भेजी थी सर, ये मैंने इसलिए भेजी क्योंकि इतने सारे लोग इसमें कूद पड़े हैं आपकी तरफ से और वो सब मुनाज़रा कर रहे हैं मेरे साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे एडमिनशिप से हटा दे और या ग्रुप से रिमूव कर दे। इसलिए मैंने अपने साथियों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ छोड़ दी, जो मुझसे रब्ता करना चाहेगा और आपका काम करेगा, और इस मुनाज़िर को मैं चढ़ा दूंगा और इसके साथ चढ़ा दूंगा इंशाल्लाह ताला कि आपने हदीस में तारीफ की और रुजू भी नहीं किया। सबसे खतरनाक बात है कि आपने रुजू भी नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये बस मैंने यहाँ लगा दिया था ताकि पुरानी याद ताज़ा हो जाए और ये ग्रुप के लोग भी देख लें कि आप छोटे हुए कारतूस हैं, खोक कर लें आप, आपके पास कुछ है नहीं। ये काम तो हम आपसे पहले भी करवा चुके हैं। आप तो मावी बिन सुफयान को तारीखी एतबार से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान से भी बेहतर खलीफा जानते हैं। तारीखी किताबों को आप हुज्जत रखते हैं, पुरानो हदीस को छोड़कर तारीखी किताबों के पीछे लगे हुए हैं अभी आप। बस ये बताया मैंने इस ग्रुप में ताकि थोड़ी याद ताज़ा हो जाए और इस ग्रुप के लोग आपका मियार समझ लें कि जिससे आपने मेरा मुनाज़रा करा दिया है वो हमसे पहले भी मार खा चुका है। आपकी समझ नहीं है कि मेरे पास समझ नहीं पा रहे और रुजू रुजू कर रहे हैं। मैंने जब ये कब कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म और तकसीम फरमाई है? मैंने तो कहा ही नहीं है। तो क्यों आप ज़्यादा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं रुजू करो और नबी ने फरमाया जो झूठ बोले मुझ पर वो जहन्नमी है? मैंने कब कहा ऐसा? मुझे अल्फाज़ दिखाया कि मैंने कब कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि रुकमी बागी? ये तो मैं वजात कर रहा था इसकी। आपको समझ बिल्कुल है नहीं। डॉक्टर बन किस तरह बने आपको पता नहीं? डॉक्टर आप बने भी हैं या सिर्फ डॉक्टर कहलाते हैं अपने आपको? डॉक्टर होने के लिए पढ़ना पड़ता है, अकल चाहिए, आपको अकल नहीं है, आपके टाइम पास बंदे हैं। बात समझ नहीं कि सामने वाली की बस डॉक्टर बस बात करते जा रहे हैं पागल की तरह, और असल बात की तरफ आ नहीं रहे, दम ही नहीं आपको कि आप सही नाली की तरफ आ जाएं। मुझे पता है कि आप झूठे इधर ही हैं, झूठे उसे नहीं है, बस सिर्फ दम ना रहे बस। मैं बात नहीं कर पा रहे हैं आप किस बात बंदे आगे चलने कोई की दम ही नहीं आपने। आप ना सही नाली की तरफ आ रहे हैं, नाशन की तरफ आ रहे हैं, झूठे इधर साहब। आप कितनी बड़ी तारीफ करें ना, लेकिन आपके औकात खुल के सामने आ गई सबके कि आप झूठे इधर ही हैं। आप ना सही नाली की तरफ आ रहे हैं, ना हसन की फेल की तरफ आ रहे हैं। जो बात इस क्लिप में है वो मैं कर चुका हूँ, अभी आज ही कर चुका हूँ, तो फायदा लगाने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी बात लगा ली यहाँ ताकि सुने लोग, सुने और लोगों का जहन साफ हो सही मावी के बारे में। बहरहाल आप तो मैं ये कहूँगा कि आप सही नाली की फहम की तरफ आ जाएँ कि सही नाली ने लश्कर मावी के बारे में क्या समझा और बागी से मदद क्या समझा और उनका अमल क्या था, ठीक है? वरना मजबूरन मैं आपको वहाँ घसीटूंगा, आपको घसीटूंगा, बात सीधी है। इस तस्फीर को घसीटा था ना मुनाज़रे में, घसीट कर आपको वहीं गिराऊंगा, दलाल दूंगा इंशाल्लाह। आपकी ज़बान से बंद होगी उन रवायत पर जिस तरह यासर की तस्फीर की हुई थी, उनका हाशिरा को सामने है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप असल बात की तरफ कहाँ आ सकते हैं, कैसे आएंगे आप? आपको रुजू करना पड़ेगा कि ये अल्फाज आपकी तरफ से हैं इसमें। अगर ये आप ये मानते हैं कि ये अल्फाज आपकी तरफ से नहीं है और आप इसे बैक होने, तो फिर मावी बिन सुफयान को खाली बागी मानिए। करिए एक वॉइस नोट जिसमें आप ये कहें कि मावी बिन सुफयान को हम बागी मानते हैं बगैर किसी अल्फाज के इजाफे के, क्योंकि हदीस में ये अल्फाज का इजाफा नहीं है, तो आपका रुजू हुआ। और आप अगर अपनी हर धर्मी पड़े हुए हैं अभी भी, तो आपने ये अल्फाज जोड़े हैं तहरीफ किए कि वो हुक्मन बागी थे, वो जाहिरन बागी थे, और वो मुख्तलिफ किस्म के चाइना के बागी थे, प्लास्टिक के बागी थे, मगर हकीकी बागी नहीं थे। ये तो आपको जोड़ रहे हैं ना, ये किसी और ने जोड़ा यहाँ पर, तो आप ये मानते हैं ना, कबूल तो कर लिया आपने ये हदीस के अल्फाज नहीं, आपको जोड़ना है अपनी तरफ से। तो आप रुजू कीजिए और कहिए कि मावी बिन सुफयान बागी थे बगैर किसी लफ्ज़ को आगे पीछे लगाए हुए, आपका रुजू हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं हज़रत अली के अमल के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम हर किसी की तरफ चलेंगे, बिल्कुल हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ कुरान और सुन्नत है, हमें डरने की क्या जरूरत है? पहले आप इस हदीस के तहत मावी बिन सुफयान को बागी मानिए बगैर आगे पीछे लफ्ज़ जोड़े हुए, तब माना जाएगा आपने हदीस में तारीफ नहीं की। आपने हदीस में खुद तारीफ की, बताया कि ये वाले बागी हैं, ये वाले बागी हैं, ये वाले बागी नहीं है। हदीस में है ये अल्फाज जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम हज़रत अली के फहम की तरफ ही चलेंगे, हज़रत हसन हुसैन के फहम की तरफ ही चलेंगे। पहले आप इसमें कबूल कीजिए कि इस हदीस के तहत मावी बिन सुफयान बागी हैं बगैर तहरीफ करे हुए। बिस्मिल्लाह करें चलें, सही नाली ने क्या किया, आज बिस्मिल्लाह करें। हाँ, अगले बागी मान लिया, ठीक है अब आगे चलो।
आगे चलो, किस तरह का बागी सही नाली से पूछते हैं। हाँ तैयार हो, आ जाओ, सही नासन से पूछते हैं, तैयार हो, आ जाओ, बिस्मिल करो, आ जाओ। एक बार नोट किया, मैं दो घंटे से ये कह रहा हूँ कि फिलहाल आप की बागी को छोड़ें, फिलहाल आप सही अली ने जो बागी समझाए उस तरफ आ जाए, लेकिन आप आने को तैयार नहीं है, आप वही बातें किसी भी टीवी करके टाइम पास कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं फिलहाल हकीकी और अपनी की तकसीम नहीं कर रहा, आ जाएं, अब बागी की तरफ आ जाएं। किस तरह के बागी हैं, बागी के हुक्म क्या हैं, सैयद अली ने उसे क्या किया, इस तरफ आ जाएं। आप आते ही नहीं इस तरफ ना, आप आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप को सैयद अली दुश्मनी है, नाम लेते हैं मैं हैदरी हूँ, लेकिन आप हैदरी नहीं है, आप दुश्मन हैदरी हैं, ठीक है, बात सीधी, आपको आने की जरूरत नहीं है इस तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। पहले अपना वॉइस नोट लगाइए यहाँ पर कि आप इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान को बागी समझते हैं, कोई लफ्ज़ आगे पीछे मत जोड़िए, हम आगे चलते हैं, फौरन आगे चलते हैं, मगर आपको ये पहले वॉइस नोट देना पड़ेगा, जब तक आप ये वॉइस नोट नहीं देंगे, इस ग्रुप को नहीं बताएंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। पूरा वॉइस नोट प्रॉपरली बनाइए, ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, मैं नासमियों के तमाम धोखे जानता हूँ, फिर कहोगे ये नहीं कहा था मैंने, ये कहा था, पूरी बात बताओ, इस हदीस के तहत मुआविया बिन सुफयान बागी हैं बगैर किसी लफ्ज़ को आगे पीछे जोड़े हुए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मैं छोड़ूंगा नहीं, ये समझ रहे हैं आप, पहले आप ये कबूल कीजिए, फिर हज़रत अली की तरफ चलते हैं, मैं हज़रत अली का फतवा दिखाऊंगा, हज़रत अली का अमल दिखाऊंगा मुआविया बिन सुफयान के खिलाफ। पहले आप इसको कबूल करना पड़ेगा आपको कि मुआविया बिन सुफयान हदीस अम्मार के तहत बागी हैं, बगैर किसी अल्फाज को जोड़े प्रॉपर एक वॉइस नोट बनाइए। कसम खुदा की ये पागल से पाला पड़ा है, चलो सुनो दोबारा। मैं इस हदीस के मुताबिक, हदीस अम्मार जो बुखारी में 28 पारे में है, जो डॉक्टर मदतुल्लाह ने भेजी है, उसके मुताबिक सैयदना मुआविया को बागी मानता हूँ, लेकिन उस तरह बागी जिस तरह सैयदना अली सैयदना हसन हुसैन ने समझा, ठीक है। अब बात आ गई, बच्चे की तरह चम्मच में डालकर खाना पड़ता है, इस तरह जा रहे तुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए ये चालबाजी न खेलें, सिर्फ उस हदीस के तहत बात हो रही है, अभी हजरत अली और हजरत हसन की बात नहीं हो रही, हजरत अली का हजरत हसन का मौका तो हम अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे, अभी वो हमारा मौजूद नहीं है, तो ये चालबाजी ना खेलें आप, इसको हटा के आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ना है आपको, मैंने आपको पहले कहा है, फिर हम हजरत अली के अमल की तरफ चलेंगे, इमीडिएटली चलेंगे, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अपने इस क्लिप में लास्ट में कहा कि मैं उस तरीके से बागी समझता हूँ जिस तरीके से हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन समझते हैं, ये तो और भी खतरनाक हो जाएगा, वो तो इस तरीके का बागी समझते थे कि वो मुआविया बिन सुफयान को जरा पहनकर कत्ल करने निकले थे, तो वो तो इस तरीके का बागी जानते थे मुआविया बिन सुफयान, क्योंकि वो जानते थे कि मुआविया बिन सुफयान का कत्ल करना जरूरी है, इसलिए वो सिफीन में निकले, और सिफीन में मुआविया बिन सुफयान को उन्होंने हरा भी दिया, और मुआविया बिन सुफयान ने नेज़ों पर कुरान उठवा दिए, और उसके बेटे ने अहले बैत के सर कुरान नेज़ों पर उठवाए थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क़दीर, उन्होंने उसमें फरमाया था मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ जाऊँ, एक किताबुल्लाह, इसमें हिदायत, इसमें नूर है, जो से पकड़ लेगा कामयाब हो जाएगा, जिसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा, दूसरा मेरे अहले बैत, मैं अपने अहले बैत के मामले में तो मैं अल्लाह से डराता हूँ, ये बात अल्लाह के रसूल ने तीन बार फरमाई, ना तो मुआविया माना, मुआविया ने नेज़े पर कुरान उठा दिया, और ना ही उसके उसका बेटा माना, उसने अपने फौजियों से गवर्नरों से अहले बैत का सर नेज़ा उठवा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।